लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल और नतीजों को लेकर बयानबाजी तेज हो चली है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। एग्जिट पोल के दावों पर कांग्रेस की सामने आ रही प्रतिक्रिया पर साव ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की फितरत यही है कि वो हर चीज को अपने से दूर करते चली आ रही है, अब जनता ने भी उसे दूर कर दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से गदगद डिप्टी सीएम अरुण साव ने यहां तक कह डाला कि जब भी देश में अच्छा काम होता है, कांग्रेस की इच्छा की विपरीत काम होता है, तब ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के फैसलों पर भी सवाल खड़े करते हैं। इलेक्शन कमीशन तक पर सवाल उठाने से नहीं चुके, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव के वक्त ही सभी नकारा लोगों को मैदान में उतार दिया था, अब जनता ने उनको वोटों के माध्यम से नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, ये इनका चरित्र रहा है। जब इनके इच्छा के विपरीत काम नहीं होता है तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं, और अब तो एग्जिट पोल के लिए वो जो कह रहे हैं कि मैनेज किया हुआ है, टीआरपी के लिए है, तो ये कांग्रेस की आदत रही है। और एग्जिट पोल के से अपने आप को दूर रखने का काम किया, आप किससे किससे दूर रखेंगे अपने आप को? आपको तो जनता ने ही अपने से दूर कर लिया है आपके कामों के कारण, आपके कुकर्मों के कारण। और इसलिए 4 जून को जब परिणाम आएगा तो देखेंगे कि आप को जनता ने अपने से दूर कर दिया है। देखिए, ये ऐसा गठबंधन था, परिवारवादी पार्टियों का, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का ये गठबंधन था, और ये गठबंधन जिस दिन से बना था उस दिन से ही लड़ रहे हैं, और 4 जून के बाद तो सिर्फ डव्वल होना निश्चित। छत्तीसगढ़ में हमने शुरू से भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं है, और ये भी कहा था कि चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी हार मान गई थी, और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये हमने उसी समय कह दिया था कि जनता से नकारे हुए लोगों को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, वे लोग फिर से जनता के द्वारा नकारे जाएंगे, ये हमने कहा था, और वही परिणाम होता हुआ दिख रहा है।